Hello students, I am Sushila Bhattan, lecturer, Government Women Polytechnic College, Bikaner. आज हम एक बहुत ही important topic पर discuss करने वाले हैं, how to prepare for your exams. So यहाँ पर मैं आपको कुछ important tips देना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने exams की तैयारी कर सकते हैं. किसी भी exams के लिए आपको इन tips को follow करना होगा. लेकिन अभी का जो सिनेरियो है जिसमें COVID-19 एपिडेमिक की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सो सभी स्टूडेंट्स अपने घर बैठकर किस तरह से इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर सकते हैं और इस दौरान आने वाली प्रॉब्लम्स को किस तरह से वो सॉल्व कर सकते हैं, इन सभी बातों पर आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी. सो सबसे पहले है कि स्टडी शुड स्टार्ट अर्ली. तो पहला टिप्स आपका यही है कि आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए वेट नहीं करना चाहिए. आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका अभी तो टाइम टेबल भी नहीं आया है, जब टाइम टेबल आएगा तब मैं अपनी स्टडी शुरू कर दूंगी, अभी एग्ज़ाम्स की डेट भी फाइनल नहीं हुई है. आपको अपना जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को समय पर शुरू कर देना चाहिए. और इसके लिए जो सेकेंड टिप है कि ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. ऑर्गेनाइज़ योर सेल्फ मीन्स आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम टेबल तैयार करना होगा और इस टाइम टेबल की हेल्प से अपना टाइम मैनेजमेंट बनाते हुए आपको अपनी स्टडी स्टार्ट करनी होगी. आप अपने जो भी सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट हैं आपको उसमें, कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने दिन आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये टाइम टेबल प्रिपेयर करें. क्योंकि ऐसा होता है कि किसी सब्जेक्ट के लिए आपको ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, किसी को कम, तो इसके अकॉर्डिंग आप उसका एक बैलेंस तैयार कीजिए. साथ ही आप अपने जो रेगुलर रूटीन है उसको भी आप एक टाइम टेबल में बनाकर रख लीजिए कि आपको कितने बजे उठना है और कितनी देर आपको पढ़ाई करनी है, कितनी देर आपको अदर एक्टिविटीज़ में देना है. इस तरह से आप अपना होल डे का जो एक टाइम टेबल है उसको भी प्रिपेयर करके रखिए. नेक्स्ट जो आपका टिप है, टिप नंबर 3, ऑर्गेनाइज़ योर स्टडी स्पेस. सो जब भी आप पढ़ें, जब भी आप, तो उसका जो है कि पढ़ाई का जो एरिया है, जो आपका स्टडी स्पेस है, उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है. वो आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पे पर्याप्त जो आपके लाइट है वो अवेलेबल होनी चाहिए, वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए. सो उसके वहाँ पर और कोई जो डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई अदर जो आवाज़ वगैरह वो जो सबसे कम आए. इस तरह से आप अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज़ कीजिए. आपका जो भी स्टडी मटेरियल है वह भी आपके स्टडी स्पेस पे अवेलेबल रहना चाहिए. आपने जो भी साल भर अपनी तैयारी की है, जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं, जो भी आपके पास बुक्स हैं, वो सभी एक जगह पर व्यवस्थित कर लीजिए. जो भी आपका स्टडी से रिलेटेड मटेरियल है, पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब आप एक जगह अपना ऑर्गेनाइज रखिए और उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट कीजिए. नेक्स्ट, आप जब भी पढ़ाई करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड फ्लो चार्ट और डायग्राम पर ज़रूर आप डिस्कस करें. आप उसका फ्लो चार्ट प्रिपेयर करें, उसका पहले डायग्राम बनाएं, देन उसकी वर्किंग एंड जो उसका आर्किटेक्चर है उसको आप समझिए. इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसे पढ़ने में आपको इजीली रहेगा, वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा. कोई भी चीज़ है वो डायग्राम बनाकर और उसके बाद में जब आप उसे पढ़ते हो तो वह काफ़ी टाइम तक आपकी मेमोरी में बना रहता है, उसे याद करना भी इजी रहता है. साथ ही अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि किस तरह से वो काम कर रहा है, किस तरह से उसमें जो उसकी बनावट है, उसकी जो संरचना है वो किस तरह की है, और पर्टिकुलर आप उसको टॉपिक के अकॉर्डिंग आप उसके कुछ पॉइंट्स तैयार कीजिए, उसके इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो साथ ही साथ आप उसमें लिखते चलिए. इस तरह से आपको वह जो टॉपिक है वो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन योर आंसर्स टू अदर्स. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसे बोलते हैं एक्टिव लर्निंग. जब भी आप कोई क्वेश्चन याद कर लें तो उसे, क्योंकि अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, सभी आपके घर पे आपके पेरेंट्स और आपके भाई बहन जो भी हैं, आप उनमें से किसी को भी लेकर आप अपने आंसर्स को उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं. अगर वो भी आपको नहीं लगता कि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद को उस आंसर को एक्सप्लेन कीजिए. एक्टिव लर्निंग से आपका जो आंसर है वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आप उसमें परफेक्ट हो जाओगे. सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आंसर्स को, अपने जो पढ़ाई है उसको, स्टडी को अच्छे से लर्न करने के लिए, अच्छे से तैयार करने के लिए.
सेवन्थ जो टिप है वो है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है। आप अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उसमें जो क्वेश्चंस है, जो रिवाइज्ड क्वेश्चंस है, उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इससे आपको काफ़ी आइडिया होगा कि किस तरह का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। साथ ही साथ आप एक टाइम जो है वो सेट करके आप उसमें उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जब भी आपका सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाए सो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो आप इससे आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे कि किस तरह से आप 3 घंटे का जो आपका एग्ज़ाम्स का ड्यूरेशन है उसमें अपने एक पेपर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, पर्टिकुलरली टाइम को देखते हुए। इसके लिए यहाँ पे मैंने आपको लिंक भी प्रोवाइड किया है। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स इस साइट पे अपलोड किए हुए हैं, तो आप इस लिंक को कॉपी करके और इस लिंक पे जा करके अपनी ब्रांच से रिलेटेड सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स डायरेक्टली देख सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट है टेक रेगुलर ब्रेक्स। ह्यूमन का जो ब्रेन है वो कंटिन्यूसली आपका याद रखने के लिए की स्थिति में नहीं होता है, इसे भी कंटिन्यूसली ब्रेक चाहिए। तो जब भी आपको 1 आवर या 2 आवर का जितना भी आपके कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप जब थक जाएं तो उसके बाद आपको रेगुलरली ब्रेक्स लेने होंगे। उस दौरान आप 5 मिनट 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, उसमें आप अपने पानी पीजिए, कुछ खाइए, तो इस तरह से आपको ज़्यादा जो है लर्न करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट है स्टे हाइड्रेटेड एंड स्लीप वेल। हाँ, ये भी ज़रूरी है, गर्मी का टाइम है इसलिए आपको कंटिन्यूसली पानी पीते रहना होगा। पानी पीने से आप हाइड्रेटेड रहेंगे, आपका जो है मूड फ्रेश रहेगा। आप और भी जो ड्रिंक्स है वो ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह इस मौसम में, तो आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो 6 से 7 घंटे की जो नींद है वह भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है अवॉइड एक्सेस यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बहुत डिपेंड है, लेकिन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपको इनसे दूर रहना होगा। हाँ, आप क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है तो आप घर पर रहते हुए इन जो कुछ पर्टिकुलर साइट्स का यूज़ अपनी स्टडी से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए कर सकते हैं, आप स्टडी के लिए इसे टाइम दे सकते हैं। लेकिन अदर जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक इंस्टाग्राम, आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। ओके, नेक्स्ट जो है सभी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान ने सभी जो सब्जेक्ट्स हैं और जो राजस्थान के पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनके जो लेक्चरर्स ने अपने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जिसका लिंक यहाँ पे मैंने आपको अवेलेबल कराया है TTC जोधपुर। यहाँ पर पूरे कंप्लीट राजस्थान के पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के लेक्चरर्स के 11,000 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर अपलोड किए गए हैं। नेक्स्ट, आपका जो अपने कॉलेज के भी जो पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे ई लेक्चरर GWPC कॉलेज बीकानेर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपने लेक्चरर्स के जो ई लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आपको क्या करना है, इस लिंक पे जाके इसे कॉपी करके और यूट्यूब चैनल पे जाके उसकी प्लेलिस्ट को ओपन करना है। जाके प्लेलिस्ट में जाके आपको उस सब्जेक्ट कोड से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ अवेलेबल होगी। इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो स्टे होम, स्टे सेफ और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। Thank you.